क्लास में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड हरे रामा राम राम हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानी ताई सुशी गौरानी ताई जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री उपदेशामृत की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना श्लाघया चक्षुंतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिक माओं विष्णुदाय कृष्णभिष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारसुंदेवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पार्श्वदेस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सबका स्वागत है शुद्धेशी क्लास में। हम लोगों ने अभी तक तीन श्लोक कवर कर लिए हैं, चौथा चालू किया है, पूरा नहीं हुआ है, तो कल हमने इसको चालू शुरुआत किया था, पर इसको रिसाइट करेंगे। अभी जब हम प्रार्थना कर रहे थे उसमें
वैष्णवों को जो प्रणाम करते हैं, मांसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो, बहुत विशेष प्रार्थना है ये। इस प्रार्थना से जितने भी भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, राम के, नरसिंह के, वामन के, जो आध्यात्मिक जगत में है, जो भौतिक जगत में है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने इसको जब हम लोग मंगल आरती करते तो उसके बाद ये सबको आखिरी में, सबसे आखिरी में ये प्रार्थना करते हैं, ताकि अगर हमने कुछ अगर अपराध किए हैं किसी वैष्णव के प्रति, एक दूसरे के प्रति, तो क्षमा कर दें। हाँ, 10 नाम अपराध के बाद आखिरी में मंगल आरती के बाद एकदम एंड में हम लोग करते हैं मंगल आरती, नरसिंह आरती के बाद। बहुत महत्वपूर्ण है और वैष्णव के बारे में हम सीख रहे हैं, कैसे वैष्णव के साथ हमें रहना है, कैसे उनके साथ प्रीति को बहाना है। चौथा श्लोक लेंगे, मेरे पीछे बोलिए। ददाति प्रति गृहिणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो कैसे हम एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार कर सके, ये कैसे पता चलेगा, ये 6 चीजों से। तो सबसे पहला है कि ददाति, हमें दूसरों को उपहार देना चाहिए। सबसे बड़ा उपहार हमने कल चर्चा किया क्या है, हरिनाम। आप हरिनाम देंगे, हरिनाम कृष्ण स्वयं है, अभिनत्वात् नाम नामिनो। कृष्ण किसी व्यक्ति के अगर जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसे और कुछ आवश्यकता नहीं। हम भगवान के पुत्र पुत्री हैं, माता पिता हमारे राधा कृष्ण हैं। जब भगवान से माता पिता के पास एक बच्चा चला जाता है तो उसको और कुछ आवश्यकता नहीं, सारी की सारी चीजें आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। रूपा जी से एक बार, एक बड़े धनी व्यक्ति थे, पूना के थे, और प्रभुपाद एक बार वहाँ उनके पास गए थे तो वो बोलते कि आप क्यों अपना मंदिर बना रहे, इतने सारे मंदिर तो पहले से पड़े हैं, आपको अपने मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मंदिर हम किस लिए बना रहे हैं। जैसे बोले कि अगर आपका बिरला जी के कोई पुत्र है और वो उनसे लड़ाई झगड़ा करके आ गया है और रास्ते में कहीं बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बहुत करेंगे, उसको अपने घर में लाएंगे, कुछ खाना पीना देंगे, रहने को देंगे, हाँ कितने दिन आप उसका देखभाल करेंगे। लेकिन अगर आप उस बच्चे का जो संबंध बिगड़ गया उनके पिता के साथ वो अगर सही कर दें, वापस उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध स्थापित कर दें, तो फिर उसका पिता तो सब कुछ करेगा उसके लिए। तो ये मंदिर इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम जीवात्माओं का जो उनका भगवान के साथ जो प्रेम संबंध है उसको पुनर्स्थापित कर सके। इसी बात को हम लोग जो इसमें पर पढ़ रहे थे कल, जस्ट आगे ये चीज आने वाली है, ये 48वां पेज है भगवद्गीता, बीच में पढ़ रहे। भगवद्गीता 2:62 में कहा गया है, संगात संजायते कामः, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। जैसा संग वैसा मन, तो आप जिसका संग करेंगे वही रंग आपका हो जाएगा। आप भक्तों का संग करेंगे भक्तों के जैसे दिखेंगे, आप कर्मियों का संग करेंगे उनके जैसे दिखेंगे। तो ये कृष्ण भानु संघ रूपात बोल रहे हैं कि हम इसके लिए स्थापित कर रहे हैं ताकि उन्हें वैष्णवों का, भक्तों का संग मिले, जो भगवान को भूले नहीं है और भगवान की सेवा में लगे हैं। प्रायः कहा गया है कि, कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है। तो जीव का सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी चेतना। हमारा क्या है, एक स्थूल शरीर है जो 5 पंच महाभूत से बना है, और सूक्ष्म शरीर है जो 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन इसके परे आत्मा है, और आत्मा का प्रमुख चीज है उसकी चेतना। तो चेतना जब कलुषित हो जाती है, भगवान के धाम में जब हम थे तो यहाँ पे जो जीव है, ठीक है,
वह उसका अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक शरीर होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है, उसकी सेवा होती है, लेकिन किसी कारणवश वो उसकी चेतना में आ जाता है कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भगवान की तरह मुझे क्या करना है, भोग करना है, तो उसकी चेतना कलुषित हो जाती है। वहां पे उसका शरीर आध्यात्मिक है, वो जगत भी आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। हाँ, वो देखता है कि सब कुछ भगवान का, सब व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में लगे हैं, तो उसको भी एक बार हो जाता है इच्छा कि मैं भी ऐसे ही, सब लोग मुझे सेवा करें, सब लोग मुझे मुझे भी वैसे ही रहना है जैसे कृष्ण रह रहे हैं। तो ये कलुषित चेतना के कारण वो जीव जो है यहाँ पे भौतिक जगत में आ जाता है। कृष्ण भूलिया सही जीव भोगवांछा करी निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, तुरंत माया उसको पकड़ लेती है और पकड़ के ये दो शरीर दे देती है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर सेम रहता है और स्थूल शरीर बार बार बदलता रहता है, जैसे आपका अंत समय में जो इच्छाएं होंगी उस हिसाब से आपको नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी मिलेगा, स्थूल शरीर मिलेगा। ठीक है, तो जो चेतना है वो चेतना को शुद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चेतना अगर शुद्ध हो गई जीवात्मा की तो वह वापस भगवान के धाम जाने के काबिल बन जाएगा। उसी के बारे में बता रहे हैं, ये जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है क्या है, वो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय के 107वें श्लोक में बताया गया है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। तो जैसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, हर जीव को मनुष्य, हर जीव में यह कृष्ण भक्ति, कृष्ण का प्रेम है, ये कोई अलग से नहीं सिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप किसी का कॉलेज में जाइए, वहां पे आप इंजीनियरिंग में आप एंट्री ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अलग से सिखाया जाता है, वो आपके अंतर में नहीं है। कृष्ण भक्ति हर व्यक्ति में, श्लोक में बता रहे हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हाँ जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, शाश्वत भगवान का प्रेम हर जीवात्मा में, चाहे वो सांप हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, मछली हो, मनुष्य हो, देवता हो, हर जीव के अंदर में क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कहीं बाहर से लाके हम डाल दे रहे हैं। जैसे हमको अगर गाड़ी चलानी होती तो हमको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो बाहर से लाके देना, आजकल इलेक्ट्रिक कार है तो भी बाहर से आप चार्जिंग करते हो, चार्ज खत्म हुआ वो खत्म, लेकिन जीवात्मा के अंदर में ही क्या है, हर जीव के अंदर ये कृष्ण प्रेम है। अब ये जो प्रेम है क्या है, वो सो रहा है, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको कैसे उठाया जाए, हम लोग रात को सोते हैं तो क्या करते हैं, सुबह उठने के लिए क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सो जाता है लेकिन जो कान है वो एक्टिव रहता है, मन जो है कान के थ्रू एक्टिव रहता है, तो अगर कुछ आवाज होगी तो वो उठ जाएगा, कोई चोर आया, कुछ आया, कुछ आवाज कोई दिया, उठो उठो, प्रभाजी बोलते हैं मिस्टर जॉन वेक अप, तो तुरंत वो उठ जाता है। तो वैसे ही जीव जो है सोया हुआ है, कि उसका कृष्ण भक्ति सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। कैसे जगाना पड़ेगा, उसका क्या तरीका है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करी हृदय। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। श्लोक में जो है श्रवण आदि लिखा है, श्रवण आदि मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नौ विधा भक्ति है, उन नौ तरीके से जब आप भक्ति करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सोई हुई कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाती है। उदाहरण दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो क्या होता है उसके साथ, वो थोड़ा सा उसको नींद आने लगती है, वो सोने लगता है, उसको जगा के रखा जाता है, जहर जब चढ़ जाता है तो वो जगा के रखा जाता है और किसी व्यक्ति को बुलाते हैं जो कि उसका जहर निकाल सके, तो वो आकर के कुछ दवा देता है, उससे वो वापस उसको जहर निकल जाता है, जहर का इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ, चूसना तो बहुत मतलब एंड, बहुत एंड में चीज़ है, अगर कुछ लोग जड़ी बूटी खिला देते हैं, ऐसे लोग हैं। तो उसी तरह हम लोग क्या है, माया नाम का सांप हमको डस लिया है और हम लोग को अब नींद आ रही है, अब हम मृत्यु के कगार पे, तो हमें कुछ जो दवा है, एक एक्सपर्ट जो आदमी है उससे बुला के, गुरु को बुला करके वो एक दवा दी जा रही है भक्ति का,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु नारायण, भगवान के विषय में सुनो, उनका कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनकी सेवा करो, उनके लिए प्रचार करो, उनके लिए भोग बना के अर्पण करो, यथाशक्ति आप भगवान की सेवाएं करो। तब क्या होगा, धीमे धीमे हम उस जहर, जो माया का जहर है, यह भोग वृत्ति है, उसको छोड़ पाएंगे और हमारा असली जीवन जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे। फिर बता रहे हैं, चूंकि कृष्ण भावामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतः हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हम जीवात्मा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हमारा अधिकार है कि हमें भगवान के विषय में सुनने का मौका देना चाहिए। और इस वक्त पूरे विश्व में यही कोशिश की जा रही है, कैसे लोगों को दूर लिया जाए, भगवान से दूर किया जाए। शिक्षा पद्धति हो गई, राजनीतिज्ञ जो भी हैं और जो भी कलाकार लोग हैं, मूवी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, सब व्यक्ति आप देखिए कोशिश कर रहे हैं कैसे भगवान से दूर लेके जाएं, कोई भगवान की तरह लाना नहीं चाहता। हाँ, अगर आपको उससे वोट मिलेगा, नोट मिलेगा, तब हाँ भाई, तब हम राम भक्ति को हम प्रचार करेंगे, हम राम भक्ति का वो करेंगे, ठीक है, उसलिए भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये जो कृष्ण भक्ति है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह बेशकीमती हीरा है जो हमारे पास है लेकिन हमें पता ही नहीं। रूपा जी बोलते हैं, भारतीय कैसे हैं, भारतीय लोग हीरों से, जवाहरातों से भरी हुई एक संदूक है, उसके ऊपर बैठे हैं, उसके उस पर ताला लगा है और क्या कर रहे हैं, डॉलर और पाउंड मांग रहे हैं दूसरों से। वो कैसा है, टूटे हुए शीशे के समान, शीशे के जो टुकड़े हैं उनको अब लेंगे हाथ में, क्या होगा, कट जाएगा, उसके लिए हम लोग रो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे पास, हमारा वैदिक ज्ञान, हमारा शास्त्रों का ज्ञान जो है, भगवान की भक्ति विषय में बताया गया है, वो सब हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब धीमे धीमे प्रभुपाद जी के मेहनत से, उनके भक्तों की मेहनत से प्रचार हो रहा है और लोग जान रहे हैं, तो हमें भी इसको स्वीकार करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो मात्र श्रवण कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षता शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना में भावना तुरंत जागृत हो जाती है। हमने देखा है, लोग आते हैं एकदम, मतलब जैसे देखते हैं मरे से हुए हैं, ना दाढ़ी बढ़ा हुआ है और कम बहुत दिन से नहाए नहीं है और बहुत कंफ्यूज दिखते हैं, और भक्तों के संग में आते हैं और एक डेढ़ हफ्ते में कीर्तन करने से, प्रवचन सुनने से, सेवा करने से तुरंत जैसे जाग गए हूँ और आनंद में वो कार्य करने लगते हैं। हम खुद ही 10 सेवाएं ले लेंगे, खुद ही बोलते हैं प्रभु जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, मदद करेंगे, सेवा करेंगे, डोनेशन देंगे, किसी न किसी तरीके से आदमी भगवान की सेवा में लग जाता है। तो यह प्रूफ है ना, ये कि हमारा जो प्रोसेस है, ये हम पद्धति जो हम फॉलो कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है। और मान लीजिए ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी कृष्ण भक्ति और जागृत नहीं हो रही और प्रखर नहीं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। हरे कृष्ण, वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर, बोल रहे हैं, इंटरनेट का यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ा, देखिए नेट चली सही चल रहा है, वीडियो आ रहा है, बाकी बाकी लोग को सुनाई दे रहा है, हाँ मैं बाकी लोग जो ऑनलाइन है उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग का आवाज सही आ रहा है या सिर्फ एक ही दो व्यक्ति को? हाँ, यहाँ इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट के कारण इश्यू हो रहा है, इंटरनेट यहाँ बहुत खराब है आज, वाईफाई से भी कनेक्ट किया तब भी नहीं। कर सकते हैं, बाद में क्या कहते हैं, फिर से सुन सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग होगा उसमें से, उसमें जाएगा ना प्रॉपर, तो रिकॉर्डिंग आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कृष्ण भावामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जा सकता, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है। तो ये जो श्रवणम कीर्तनम में 9 विधा भक्ति, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम कीर्तन करना, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन से जब आप करते हैं, जब भक्तों के संग में बैठ करके मृदंग करताल के साथ खूब
जोर जोर से जो हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमारी जो सोई चेतना है वो तुरंत जागृत है। और दूसरा चीज है जो हमारे दिन में कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 अनर्थ हैं, वो उससे भी हृदय शुद्ध हो जाता है। इसके लिए फिर वो शिक्षाष्ट का श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी हैं। स्वरचित शिक्षाष्ट के प्रथम पद में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, सब ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड हरि नाम संकीर्तन। वाय क्यों? उससे हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला और बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूप महादावर अग्नि को बुझाने वाला है। तो क्या करता है संकीर्तन? हमारा जो इस हृदय में जितने भी कलमश हैं, जितने भी वर्षों से संचित धूल है, आप अगर एक शीशा लीजिए, उसको 10 दिन 20 दिन 1 महीना उसको आप ना मत पोछिए, तो देखिए क्या होगा, उसके ऊपर धूल जम जाती है। ऐसे 1 साल रख दीजिए, 10 साल रख दीजिए, 30 साल रख दीजिए, तो वो धूल एकदम परत मोटी हो जाती है। अब आप उसके पास जाएंगे तो आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। हमारे ऐसा 1000 साल 2000 साल रख दीजिए, तब तो एकदम ही वो मिट्टी की तरह लगेगा, पता भी नहीं चलेगा ये शीशा है। तो हमारा मन क्या है? वो भी एक दर्पण है, वो भी एक शीशे के समान है। उससे क्या करना है हमें? हमें अपना जो आत्मा को अपना असली स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। जब हम शीशा लेते हैं तो क्या देखते हैं? हमारा अपना चेहरा दिखना चाहिए ना। लेकिन जब मन में देख रहे तो हमको क्या दिख रहा है? ये भौतिक संसार दिख रहा है। हाँ, ये वस्तु क्या, इसका मैं भोग कर सकता हूँ, वो मेरा दुश्मन, उससे मुझे दूर रहना है, ठीक है। इस तरह से इच्छा द्वेष चल रहा है हमारे मन में, जो मेरे काम की चीज मैं इसको ले लूंगा, जो मेरे काम की नहीं वो फेंक दूंगा, ठीक। मन यही कर रहा है ना, विश्व को अपने शत्रु और अपने मित्रों में बांट रहा है। और ऐसा हमने करोड़ों करोड़ों वर्षों किया है और उसको साफ नहीं किया है, पूरा एकदम मोटी परत चढ़ गई। तो इसको साफ करने का सबसे आसान तरीका है कि आप भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुनें। जब हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो हमको डिटर्जेंट पाउडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हृदय शुद्ध हो गया को करना है, तो उसका डिटर्जेंट पाउडर क्या है? हरि नाम, हरि कथा। तो वो सुनेंगे तो जागृत होगा, तब हम समझ पाएंगे भगवान के विषय में। भागवतम में श्लोक आता है कि श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पहले स्कंद के 2 अध्याय में, कि जैसे ही हम भगवान कृष्ण का श्रवण करते हैं, श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ में बदनानी विधुनोति सुहत्सताम, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो हृदय में बैठे, कि देखते हैं अरे ये जीवात्मा, अब ये देखो सुबह से ना ये गीता के बारे में सुन रहा है, उपदेशामृत सुन रहा है, ये ईशोपनिषद सुन रहा है, इस तरह से मेरी कथाओं के बारे में सुन रहा है, तो क्या करूंगा मैं, इसका हृदय शुद्ध करूंगा। हमारे जो मन में इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उनसे एक एक इच्छा से मुक्ति पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो खुद ही एक झाड़ू उठाते हैं और वह इन सारी भौतिक इच्छाओं को, कलमश को साफ करना चालू करते हैं। तो अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान देखते हैं कि आप प्रामाणिक रूप से उनका जप कीर्तन श्रवण कर रहे हैं कि नहीं, वो तो हृदय में बैठे उनको सब पता है। एक बार एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ खाना बनाने के लिए किचन में गई, तो बेड पर से गिर जाता है और बहुत तेज उसको चोट लग जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है, फपक फपक रोने लगता है। उसकी माँ दौड़ते हुए आती है, उसको उठा लेती है और छोटा कुछ मीठा कुछ खाने का था, लड्डू उसको दे देती है। तो जब वो खाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह ये तो बढ़िया चीज़ है ना, मुझे तो अच्छा आइडिया लग गया, अगली बार मुझे कुछ मीठा खाना हो तो क्या करना है। तो कुछ दिनों बाद उसको फिर वैसे मीठा खाने की इच्छा हुई, तो अपने से गिर जाता है, धीमे से उतर जाता है और रोने लगता है, खूब रोता है, बहुत देर तक रोता है, उसकी माँ नहीं आती। फिर जब माँ अपना काम कर लेती है तो वापस आती है, तो बच्चा पूछता है कि मम्मी तुम आई नहीं, मैं इतना रो रहा था। तो माँ बोलती है कि मुझे पता है तू किसके लिए रो रहा था, तो इस बार मेरे लिए नहीं रो रहा था, पिछली बार तू मेरे लिए रो रहा था तो मैं तुरंत आ गया, इस बार तू उस लड्डू के लिए रो रहा था। तो ऐसे ही भगवान हम सबके माता पिता हैं, वो अंदर हैं, बैठे हैं, सब जानते हैं कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं, वो सब पता है उन्हें। तो प्रामाणिकता से हरे कृष्णा का मतलब क्या है? हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे भगवान राम, आप क्या करिए, कृपया मुझे अपनी प्रेममय सेवा में लगाइए,
किसी का आप नाम नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं ओ कृष्णा और राधा रानी तो कृष्णा बोलते हैं हाँ क्या है क्या चाहिए, तो भगवान बस मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन फिर हम देव बोलते हैं नहीं, थोड़ा सा हमको धन चाहिए, थोड़ा हमको यश चाहिए, थोड़ा स्त्री पुरुष का सुख चाहिए, थोड़ा वो जो मेरा दुश्मन है उसको हटा दीजिए। तब भगवान बोलते ठीक करते रहो जप, तो मैं प्रामाणिकता से जप करना है, प्रामाणिकता से भक्ति करनी, जो अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए, तब भगवान मदद करते हैं और बहुत आसानी से। और हमारी जो जो हम सुख भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त करना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक हमें भगवान की सेवा करके मिल जाएगा। जैसे आप कोशिश करिए कि जो बाहर के बॉलीवुड के हॉलीवुड के गाने होते हैं वो सुनिए एक घंटा, और एक घंटा कीर्तन सुनिए, सुन के देखिए आपको ज्यादा आनंद कीर्तन सुनने में आएगा। क्यों? क्योंकि सीधे आपका कनेक्शन भगवान से कर रहा है। तो भक्ति में पांच चीजें होती हैं, इस पे अच्छा ओके ये दिख रहा है हाँ? व्हाइट चौक अंदर खत्म हो गया, व्हाइट चौक इसलिए मैं रखता हूँ, व्हाइट चौक नहीं पूरा नहीं आ रहा है, लाइट आ रहा है वहां पे हाँ व्हाइट दो ना ओके एक ही है, थोड़ा जाकर के लेते आओ तब तक व्हाइट वाला। और तो पहली चीज है जो डायरेक्ट है, डायरेक्टली हमें भगवान से के लिए कनेक्ट करती है, सीधे डायरेक्ट डायरेक्टली डायरेक्ट कनेक्शन। क्या है उसमें एग्जाम्पल में? हरि नाम, हिंदी में लिखना चाहिए क्लास, हरि नाम हो गया, प्रसाद हो गया, ये सीधे भगवान है, हरि नाम स्वयं भगवान है। छोटा होगा क्या? छोटी होगी ना, मुझे लग रहा है लोग इंग्लिश में ज्यादा पढ़े हिंदी में लग रहा था। ठीक है, हरि नाम हो गया, प्रसाद हो गया, विग्रह, विग्रह और श्रीमद् भागवतम, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सारी जो वैदिक पुस्तकें हैं डायरेक्ट, ये सीधे सीधे भगवान कृष्ण के विषय में, राम के विषय में, स्वयं साक्षात भगवान है, गीता भी भगवान है, भागवत भी भगवान है, ये सीधे आपका भगवान से आपको कनेक्ट कर देगा इनके संपर्क में आने से। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी जैसे, सीधे कनेक्शन है। एक बार प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहे थे तो उनके साथ दो उनके शिष्य भी थे, हरीश्वरी प्रभु परमहंस महाराज जैसे दो लोग थे। तो समय उनके पास खाने का कुछ नहीं था तो मूढ़ी लेके गए थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को मूढ़ी दिया, प्रभुपाद जी थोड़ा खाए और आधा जो है दोनों को दे दी, और फिर वो दोनों अपना लेकर के बैठे थे। तभी उधर से एयर होस्टेस आती है और वो देखती है और तुरंत बिना पूछे एक मुट्ठी ले लेती है और खा लेती है। देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, क्या है ये? तो बोले कुछ नहीं, हम लोग खा बाहर का नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग ये लाए हैं, पफ्ड राइस बोलते हैं इसको, और हमारे गुरु जी हैं उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद हम लोग ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग को और कुछ चाहिए तो बताइए। बोले कुछ फल फूल है तो लेते आइए। हाँ फल तुरंत गई, वो फल वगैरह ले आई, काट के दी, प्रभुपाद जी भी स्वीकार किए, सब लोग स्वीकार किए। अब
ये जो एयर होस्टेस थी वो बाद में वो जाती है अपने घर पे, और उसको भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिला और उनका महाप्रसाद ना खाई, उनकी सेवा भी की, तो इस कारण वो भक्त बन जाती है, भक्तों के संग में रहती है। तो एक बार ऐसे ही प्रचार करते हुए बहुत साल बाद, 10-20 साल 30 साल बाद, दूसरे भक्त गए उधर प्रचार करने के लिए एक जगह पे। तो वहां पे एक दरवाजे को खटखटाते हैं पुस्तक वितरण करने, तो वहां पे एक स्त्री निकलती है, वो तिलक कंठी माला सब पहनी हुई रहती है। तो देख के आश्चर्य हो गया, आप यहाँ कैसे, आप भक्ति में आपको कैसे मिल गए? तो बताया कि मैं एक्चुअली आपके गुरुजी से मिली थी प्लेन में, उनका मैंने थोड़ा सेवा भी किया था। तो शुद्ध भक्त के साथ एक जरा सा लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो जरा सा उसको संग मिला प्रभुपाद जी का, उतने में ही वो भक्त बन गए। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इन चीजों को आप स्वीकार करिए तुरंत, प्रसाद मिल गया और भगवान को अर्पण किया, भगवान से अभिन्न है, भगवान का उसमें सलाइवा लार है, और वो आप जब खाएंगे तो आप भक्त, आपका जो जितना भी पाप है वो चला जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। प्रथम स्कंद में आता है कि भगवान का प्रसाद खा करके, भक्तों का प्रसाद खा के नारद मुनि भक्त बन गए, जो एक छोटे बालक के रूप में थे तब नारद मुनि बन गए। तो ये शक्ति है इसमें। तो ये हो गया आपका क्या है पहला चीज, डायरेक्ट कनेक्शन। दूसरा लेवल क्या है कि वो चीजें जो जितना हो सके हमें इससे ये चीजें को पालन करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए। तो पहला हो गया डायरेक्ट कनेक्शन, दूसरा है नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम इसमें इंटरनेट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा था, जो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन है कि नहीं, कुछ लोग ऑनलाइन भी है कि नहीं, मैंने फुल स्क्रीन करा हुआ। हाँ लिखा हुआ दिख रहा था ना आप लोग को, ठीक है हम लोग क्लास करते हैं, रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, अब आप लोग सुनिएगा, अगर ठीक है तो नहीं तो फिर से हम ये क्लास कर ले लेंगे ना, इसको फिर से कवर कर लेंगे एक बार फिर से। तो दूसरा चीज है ना, नेक्स्ट है कि जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, अनुकूल है ना, फेवरेबल है जिसे बोलते हैं, जो सीधे भक्ति नहीं है लेकिन वो करने से आपको क्या है मदद मिलती है, जैसे वर्णाश्रम, वर्णाश्रम में आप क्या है कि आप एक सेटअप है जिससे कि हर व्यक्ति अपना नेचर भगवान की सेवा में लगा सकता है, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करता है, शूद्र शूद्र का कार्य करता है, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, दैवी वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम अपने में भक्ति नहीं है लेकिन वर्णाश्रम को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अर्जुन भी क्षत्रिय है और दुर्योधन और कर्ण भी क्षत्रिय है, लेकिन भक्त कौन है, क्यों संग में है तो क्या हुआ, संग तो उनको भी मिला, वो भी तो बगल में खड़े हैं, कौन सा वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, संग का मतलब क्या होता है, अर्जुन क्यों भक्त है, समर्पण के कारण, वो सुन रहा है भगवान के बारे में, जान रहा है और भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है। करिष्य वचनम तब, वो जितना भी तीर मार रहा था वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा था, और दुर्योधन और कर्ण किस लिए कर रहे थे, अपनी प्रसन्नता के लिए। तो वर्णाश्रम अपने आप में भक्ति नहीं है लेकिन वर्णाश्रम को इस्तेमाल किया जा सकता है कृष्ण के लिए। अर्जुन क्षत्रिय था, उसने भगवान के लिए युद्ध किया और पूरे विश्व में जो भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज उनका राज्य हुआ, और उन्होंने क्या किया, वो सबको भक्ति के लिए इंस्पायर किए,
रक्षित महाराज सबको भक्ति के लिए इंस्पायर किए, तो ये चीजें हेल्पफुल हैं, फेवरेबल हैं। हाँ, दूसरा चीज जैसे सुबह उठना, स्नान करना, स्वच्छ चीजें पहनना, चार जो नियम है उनका पालन करना, वो क्या है, वो मदद करता है भक्ति में। उससे आप एक शुद्धता का एक लेवल आता है जिससे कि आप भगवान को समझ सकते हैं, वरना इतना आपके ऊपर कचड़ा रहेगा कि आप कौन भगवान क्या कुछ पता नहीं। जैसे नलकुंवर और मणिगिरी थे, नंगे घूम रहे हैं स्त्रियों के साथ, तो गंगा नदी में, वो भी कैलाश पर्वत के पास, और कुछ नहीं, जब आ रहे हैं नादमुनि तो उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो इसलिए ये चार नियम जो हो गए, ये फेवरेबल है, इनको पालन करना, चार नियम का पालन, स्नान करना, ये सब चीज क्या है, आपको मदद करता है भगवान की सेवा के लिए, मदद करता है। ये अगर करेंगे तो आप फिर भक्ति को समझ पाएंगे, सतोगुण में आना। ठीक है, तीसरा है कि उदासीन, न्यूट्रल, न वो अनुकूल है न वो प्रतिकूल है, न वो अनुकूल है न प्रतिकूल है। जैसे ये हमारा मोबाइल, मोबाइल स्टैंड, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डिजिटल बोर्ड, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब चीजें क्या है, न्यूट्रल है। आप चाहो तो भगवान के लिए इस्तेमाल करो, आप चाहो तो उल्टा पाप करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके लोग अपना रील बना रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है, हर कभी काचा बादाम बनाते हैं, कभी आज मोए मोए चल रहा है, कल कुछ और आएगा, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे लोग। रूपा जी एक बार जा रहे थे, उन्होंने एक बोर्ड देखा, तो उसमें एक बूढ़ी व्यक्ति है, बूढ़ी औरत है, वो बोल रही है अपने पति से कि चैंट चैंट चैंट, और बूढ़ा बोलता है कैंट कैंट कैंट। प्रभात बोलते हैं चैंट 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 मतलब नाम जाम जप करो, बोल रही है, और वृद्ध व्यक्ति बोल भी रहा है लेकिन चैंट नहीं कर सकता, कैंट 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 बोल सकता है लेकिन चैंट नहीं कर सकता। तो लोग दुनिया में सब कुछ बोलेंगे, भगवान का नाम लेने को बोले तो फिर वो चुप हो जाएंगे, तब वो गुस्सा जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है न्यूट्रल है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में। अब इतना ये सब हो गया, ये सब अनुकूल, एक तरह से ये सब आपके लिए अनुकूल है। अब अनुकूलस से संकल्प, इन अनुकूल चीजों को हम स्वीकार कर सकते हैं। प्रतिकूलस से वर्जनम, ये जो नहीं है, फेवरेबल नहीं है, आवाज आ रही है आप लोग को जो ऑनलाइन है, ठीक है, अनफेवरेबल। आज का रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा एक बार और कल बताइएगा, अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो हम फिर से कवर कर लेंगे ना। ये हो गया, ये आपका चौथा है, दूसरा नहीं, चौथा है। पहली तीन चीजें फेवरेबल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब क्या है, प्रतिकूल में आते हैं। प्रतिकूल में क्या है, प्रतिकूल मतलब जो अनफेवरेबल, उसमें प्रतिकूल में यह है चार नियमों को तोड़ना, आसुरी वर्णाश्रम, ये जो अभी जो सभ्यता चल रही है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक चीजें, आधुनिक सभ्यता जो है, रूपा जी बोले ये डिमोनिक सिविलाइजेशन है, हाँ आसुरी सभ्यता है, बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है अबॉर्शन करके, फिर वो पैदा होते हैं तो जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेज रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्पिरिचुअली मार दे रहे हैं, आध्यात्मिक स्लॉटर हाउस है वो, स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये सिखाया जा रहा है तुम कैसे पैसा कमाओगे, कैसे एंजॉय करोगे, क्यों, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये इंडस्ट्रियल लोगों ने बना रखी, कैपिटलिस्ट ने बना रखी, वो चाहते हैं कि आप बस कंज्यूमर बने, कस्टमर बने, उनके लिए काम करें, तो इसलिए वैसी शिक्षा दी जा रही है। जितना भी भगवान से रिलेटेड चीज़ें उसको स्क्रीन आउट करके बाहर कर दो। अब कहीं कहीं कुछ कुछ जगह आने लगी है, लेकिन वो सब ना
नास्तिक चीजों को पढ़ाया जाता है, गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, वी केम फ्रॉम मंकीज, हम बंदरों से आए थे और दुनिया का दुनिया को बिग बैंग से बनाया गया है, तो ये सब प्रतिकूल है भक्ति के, तो इनसे आप दूर रहें, ठीक है। और पांचवा है जो सीधे मतलब एकदम अपोजिट है, टोटली अपोजिट, एथिज्म अपोजिट या विरोध, विरोध में ये आता है आपका, इसमें अलग अलग जो सिद्धांत हैं, फिलोसफीज हैं, बुद्धिज्म, और इम्पर्सनलिज्म, मायावाद, इम्पर्सनल फिलोसफी जो है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्तिसेन ठाकुर का गुणगान में श्लोक लिखा, बहुत इंग्लिश में पोएम लिखा था, उसमें से एक स्टैंजा था जो भक्तिसेन ठाकुर को बहुत प्रसन्न था, बहुत उनको खुशी दिया। वो लिखते हैं, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड। मतलब क्या है कि भगवान एब्सोल्यूट जो परम सत्य है वो संवेदनशील व्यक्ति है, उनमें संवेदना है, वो व्यक्ति है, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, सिद्ध करके दिखाया है। और इम्पर्सनल कैलेमिटी, ये जो निर्विशेषवाद है, शून्यवाद, मायावाद है, इस ये एक तरह का क्या है, कैलेमिटी है, एक विपदा है, हर जगह इम्पर्सनलिज्म हो गया है। कैसा इम्पर्सनलिज्म है, हमने ओला उबर बुक किया, वो ड्राइवर आया, आपको पिक किया, आपको छोड़ दिया, बस आपका संबंध खत्म, ठीक है। पहले घर में जो भी सेवक होते थे, ड्राइवर होते थे, उनके साथ लोगों का संबंध होता, अभी कोई संबंध ही नहीं, ड्राइवर को क्यों मेंटेन करें जब वो ऑलरेडी ड्राइवर है, ठीक। टीचर को लीजिए, हाँ बस पेमेंट करो और भूल जाओ, गए कोचिंग कर लिए, हमारा हो गया एडमिशन किसी आईआईटी में, किसी में, फिर उसके बाद उनके साथ संबंध खत्म। 11th 10th के टीचर्स को भूल जाओ, और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आपको इंजीनियरिंग, एक बार आपका नौकरी लग गया तो उनको भूल जाओ, कोई कम कनेक्शन नहीं, और टीचर भी कुछ ध्यान नहीं रखते बच्चों का क्या हो रहा है, वो आ रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हाँ बस अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करके आ रहे हैं, उनको बस पैसे से मतलब है। तो ये सब इम्पर्सनल, पूरा वर्ल्ड में इम्पर्सनलिज्म फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक चौथे श्लोक में हमें पर्सनल बनने को बताया जा रहा है, हाँ कि आप रेसिप्रोकेट करना सीखिए, एक दूसरे के साथ डील करना सीखिए। ददाति प्रतिगृहणाति, कोई आदमी है ठिठुर रहा है ठंडी में, कोई भक्त है, उसको आप दे दीजिए अपने, आपके पास चार कंबल, एक कंबल दे दीजिए। कोई प्रेम से लेके आया है प्रसाद, मिठाई कुछ लेके आया है, आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं खाने मत प्रॉब्लम। अभी आज सुबह एक माताजी कल प्रसाद बना के लाई थी 10 प्रभु के लिए, मुझे दी थी कि उनको दे दीजिएगा, मैंने उनको दिया, उन्होंने सारे बच्चों को बांट दी। आप स्वीकार करिए, प्रेम स्वीकार करिए और फिर दे दीजिए दूसरे को, ददाति प्रतिगृहणाति, गिव गिफ्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स। हम लोग बस लेना लेना, एक लेना बैंक होता है, एक देना बैंक होता है, तो हमें लेना देना दोनों है, कैलकुलेटिव नहीं होता है, वो प्रेम से होता है, मेरे पास जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको इस्तेमाल करें, आपके पास ज्यादा आप दूसरे को दे दें, तो इससे प्रेम का संबंध बनता है, मधुरता बनती है उसमें। तब व्यक्ति चाहता है कि मैं कैसे दूसरे को प्रसन्न करूं, हम इंडिविजुअल हैं और दूसरा व्यक्ति इंडिविजुअल है, दोनों साथ आकर के भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे हम एक दूसरे को मदद करें ये देखना, तो उससे प्रेम का लक्षण, ये प्रेम बढ़ेगा इससे। भगवान इसलिए सिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे सीखो, क्योंकि वहां जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो यही कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में ही कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत क्या है, वहां भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त साथ हैं, तो उनके साथ हमें रहने का ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा है। दाति प्रतिगृहणाति, इसमें कुछ किसी का प्रश्न है, हमने जो पांच चीजें बताई, कुछ इसमें डाउट है तो बताइए। जितना आपको इस्तेमाल लगता है करिए, बाकी दे दीजिए। भगवान है ना, भगवान ने उसको दिले आया ना, भगवान ने सबके सबके उसका जिम्मा भगवान ने ले रखा है,
ठीक है, हम करता नहीं है। हाँ उतना आवश्यकता रखिए, तो थोड़ा हमें आवश्यकता थोड़ा स्टोर करना करिए। जैसे रूप गोस्वामी के बारे में बताया, जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पण कर रहे थे तो उन्होंने अपने धन को तीन भाग में बांटा। 50% उन्होंने वैष्णवों और कृष्ण की विग्रहों की सेवा के लिए दे दिया, बाकी 50% का 25% अपने घर वालों को दे दिया, वो गृहस्थ थे तो उन्होंने घर वालों को दे दिया, बाकी 25% जो है वो बचा के रखा, एक व्यक्ति को दे दिया कि तुम इसको रखो, जब मुझे लगेगा तो मैं तुमसे लूंगा। तो जब सनातन गोस्वामी को भागना हुआ तो उन्होंने वो पैसे उनको पहुंचा दिए, उनको जेल में बंद कर दिया था नवाब हुसैन शाह ने उनके घर में, तो उन्होंने जो वहां का जेलर था उसको घूस दे करके भाग गए। तो आइडियल ये है, आप कुछ भी जो भी आए उसका ऐसे बांट सकते हैं, 50% जो है भगवान जो आपके घर में विग्रह हैं जिस मंदिर से कनेक्टेड है वहां आप दे सकते हैं, ये आइडियल है। ये आइडियल है, आप उतना करिए जितना आप कर सकते हैं, ये आइडियल स्टैंडर्ड जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, 50% भगवान के लिए, 25% अपने आपको क्या कहते हैं अपने बच्चे होंगे पत्नी होंगी ठीक है उनके पढ़ाई लिखाई का वो रेंट का वो सब लगेगा ना सब चीज के लिए उसके लिए इस्तेमाल, और बाकी 25% आप सेविंग अपने पास बैंक में डाल दीजिए। ये आइडियल है, आप उतना करिए जितना आप कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति का इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होता है, तो आप जो भी व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है भक्ति में, मेन जो आपके शिक्षा गुरु हैं केयरटेकर हैं उनके संपर्क में आप रह के, लेकिन मतलब क्या है कि कुछ चीजें आप रखिए, कुछ चीजें दे दीजिए, एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए। पहले के जो ब्राह्मण होते थे दिन में जितना भी दान आया शाम तक वो इस्तेमाल करके खत्म कर दे, अगले दिन वो फिर से उनके पास कुछ नहीं बचता था, क्योंकि उससे क्या होगा फिर वो भगवान के ऊपर डिपेंड करेंगे, वरना लगता है हाँ हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है अभी भी कोई जरूरत नहीं कुछ करने का मेहनत करने का। तो भगवान के ऊपर डिपेंड करना सीख, तो प्रैक्टिकल भी होना है क्योंकि आजकल का समय काफी कठिन है, कुछ भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये चीजें, तो आप देखिए कितना परसेंटेज आप सेविंग रख सकते हैं कि इतना काफी आपके लिए, इतना आप सेटिस्फाइड है, आपका मन जो है वह संतुष्ट होना चाहिए। वो जब तक शिष्य उसके पास है तब तक तो अच्छे से शिक्षा दे। हाँ उस शिक्षा में क्या होता है, क्लास में आए पढ़ाए उसके बाद देख ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, पूछ ही नहीं रहे, क्लास के बाद भी उसको टाइम दे कुछ अगर प्रश्न पूछने आ रहा है। हाँ जैसे कल कोई पूछ रहा था मुझे करताल सीखना, तो मैंने सिखाया उसको करताल। तो अब जब पास आउट हो जाएगा उसके बाद शिष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके साथ टीचर के साथ संबंध रखे। एक पाकिस्तान का कोई था साइंटिस्ट, उसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो इंडिया में आके जो उसके टीचर थे उनके पास जाके पैर छुआ उसने। तो शिष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो टीचर का ध्यान रखे, उनसे संपर्क रखे, संबंध बने। इम्पर्सनल नहीं है कि आपने पढ़ाया आपने पैसा लिया संबंध खत्म। हाँ गिव एंड टेक मतलब जस्ट वो बिजनेस हो गया। जैसे आप गए जनरल स्टोर पे, 100 रुपया दिया, बिस्किट लिया, क्या कहते हैं चीनी लिया, दाल लिया, खत्म खाने, बस उसको फिर रिलेशनशिप तो नहीं, हम याद रखते नहीं। लेकिन 20-30 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे हम लोगों को आज भी याद है ना, जो रहते थे मतलब जनरल स्टोर पे अंकल जी, उनका नाम अरुण अंकल थे, अरुण अंकल। तो कभी कभी हम लोग जाते थे, हम लोग देते थे टॉफी दे देते थे खुद से बिना पैसा ना, ले जाओ मेरी तरफ से, तो वो हम मम्मी पापा को नहीं बताते थे। तो पर्सनल रिलेशनशिप आज कुछ है ही नहीं, पेटीएम करो वो करो बस सामान लो चले जाओ, मॉल बन गए। कर सकते हैं अब हमारे यहाँ तो देखो, जो हमारे यहाँ के ऑटो ड्राइवर हैं अजय प्रभुआ, यहीं आकर के उनका बच्चा भी यहाँ पढ़ता है, उनको 3-4 बजे बोलते थे बेचारे पहुंच जाते हैं लेने के लिए। तो किसी के साथ तो रखो, एक आदमी जितना आपका शक्ति, सबके साथ नहीं लेकिन कम से कम कुछ के साथ तो रखो, अभी तो किसी के साथ नहीं है। आपने उबर ओला बुकिंग किया है कभी?
अभी किया था, याद है उसका? आपको याद है उसके बारे में या उसको आपके बारे में नहीं याद है? तब वो बात हम कह रहे हैं, तो हम बस एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब आप उसको देखिए कितना आपकी शक्ति, उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑल परवेडिंग है, इंपर्सनल ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझो कि ये गलत चीज है। अब आप पर्सनल संबंध बनाओ और जो रेसिप्रोकेट करे, जो उसके साथ उस लेवल पे कार्य कर सके। हाँ, अब वो व्यक्ति, आप प्रेम जो है ना एक तरफा नहीं होता, आप उसको करना चाहो और नहीं कर रहा तो छोड़ दो। कम से कम 4-5 व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बनाओ आप। और किसी ने तो जहां भक्तों का संग है, अपने घर में भक्त बनाओ, उनके साथ ये संबंध रखो। प्रभा जी कहते हैं कम से कम एक व्यक्ति, एक जीवात्मा के साथ अच्छा संबंध बनाओ, प्रॉपर घनिष्ठ संबंध बनाओ, तो आप क्वालिफाइड हो पाएंगे भगवत धाम में रहने के। क्योंकि आपको वो तत्व पता है कि कैसे एक व्यक्ति का केयर करना है, उसकी जरूरतों का, उसके उतार चढ़ाव का। कभी वो प्रसन्न होता है, कभी अप्रसन्न होता है, रूप जाता है, वो सब तो आपको समझना पड़ेगा। जो उतार चढ़ाव है, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछिए ना, हम तो इसलिए बता। काम करते हुए करना है। हाँ, जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु बोले। नहीं, बहुत सारे हमारे इंजीनियर भक्त हैं जो कि काम करते हैं। हाँ, 6 दिन, कितना दिन काम करते हैं इंजीनियर? कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन करेगा, संडे बचा, संडे प्रचार कर सकते हो। जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उस बिल्डिंग के लोग को जाके बोल सकते हो। हम लोग खुद ऐसे किए हैं, हम लोग जब मैं दास ब्रो, हम लोग साथ ही रहते थे और ना कंपनी में जाते थे, और उन्होंने एक सेंटर खोला था, मुझको वहाँ बुला के लाए घुमा कुछ कुछ करके, चलो तुम वहाँ चलो। हाँ, हम लोग वहाँ पे रहते थे, पूना में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम लोग वॉइस खोले, साथ रहते थे। सुबह दिन में हम लोग जाते थे, हम कंपनी काम करते थे, फिर कंपनी से सीधे हम लोग कॉलेज चले जाते थे, वहाँ जाके बच्चों को प्रचार करते थे। और सुबह फिर बच्चे आ जाते थे हम लोग के मॉर्निंग प्रोग्राम। तो इस तरह प्रचार कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अब कंपनी छोड़ के भी फुल टाइम प्रचार में हम लोग, तो वो आपको बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी जगह पे हाँ करते हुए कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप ब्रह्मचारी बने, फुल टाइम बने, नहीं। अब जहाँ है ना, सबसे पहले स्थाने स्थिता श्रुति गता, जहाँ हो वहाँ सुनना चालू करो। जैसे अधिकतर लोग जो हैं अपने अपने घरों में हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो पहली चीज जो हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, सुनना चालू करो। सुनते 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 साधु संग करते करते क्या होगा, भजन क्रिया करने का मन करेगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा होगी, रुचि होगी आप, और उसमें आप प्रचार करते रहो। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, आपका भक्ति बढ़ता है। हाँ, तो इसीलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखना चाहिए, और जब गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया तो गुरु को फॉलो करना चाहिए था ना, तो दोनों चीज चाहिए हमें। अगर आप आर्मी नेवी नहीं होती, आर्मी एयरफोर्स नहीं होता, तब तक पाकिस्तान चीन कब का इंडिया को खा गया होता, क्योंकि वो है। इसलिए हम लोग यहाँ भक्ति कर पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा सूटेबल है भारत प्रचार के लिए, ठीक है। और किसी का ऑनलाइन में किसी का कुछ प्रश्न है तो समय हो गया है। हाँ, सिंपल, चैतन्य महाप्रभु जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण बारे में बताओ। हाँ, कुछ प्रश्न है माता जी? हरे कृष्ण।